नमस्कार, मैं हूं देवांशी बोइत्रा। चीन सीमा विवाद पर बयानबाजी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चौतरफा घिरते जा रहे। पूर्व आर्मी अफसर जहां संयुक्त बयान जारी कर उन्हें संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से बचने की नसीहत दे रहे, तो वहीं मोदी सरकार में खेल मंत्रालय संभालने वाले किरेन रिजिजू ने पूछ लिया, क्या राहुल को देश की सेना पर भरोसा नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा था कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। राहुल के इसी सवाल पर केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल प्रदेश से सांसद किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान और व्यवहार तब सामने आते हैं जब कोई खुद की सेना पर भरोसा बंद कर देता है और राजनीतिक हित राष्ट्रीय हित से आगे निकल जाता है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को 1962 के युद्ध और उसके परिणाम की भी याद दिलाई और कहा, उम्मीद करता हूं कि कोई 1962 की गलतियां महसूस करेगा जिन्होंने नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश को दूसरे के अनावश्यक और अनुचित दावेदारी में धकेल दिया था। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरेन रिजिजू ने इससे पहले साल 2015 में कहा था, 1962 के युद्ध में चीनियों ने उनके गांव पर कब्जा कर लिया और असम तक पहुंच गए थे, जबकि नेहरू ने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आपको बचाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने आकाशवाणी पर चीन के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। बता दें उस वक्त अरुणाचल प्रदेश को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था।